चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून अफस्वा। इस कानून के बारे में थोड़े थोड़े समय के बाद बात होती रहती है, ये चर्चा में बना रहता है, क्योंकि ये किसी भी राज्य विशेष में लागू किया जाता है या रिन्यू इसको किया जाता है। वर्तमान समय में भी ये एक राज्य विशेष में फिर से रिन्यू किए जाने की वजह से चर्चा में है। तो इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे कि ये है क्या, कब से लागू होता है, क्यों बनाया गया था और इसके अंदर विशेषाधिकार है क्या क्या सरकार के पास, और इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए है कि सैन्य बल विशेषाधिकार कानून 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य में 27 फरवरी से आने वाले 6 महीने तक इसे राज्य में लागू कर दिया है। इस वजह से ये चर्चा में है। अगर हम असम की पर्टिकुलर असम की बात करें तो 1990 से अफस्वा को असम में लागू किया गया था और राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद हर 6 महीने पर इसका विस्तार किया जाता है, यानी कि इसको रिन्यू कर दिया जाता है। सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी जानना ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पड़ी थी, वहाँ उपद्रव बहुत ज़्यादा होते थे। सेना के पास जो सामान्य कानून थे उनकी मदद से वहाँ पर उनको रोका नहीं जा सकता था और वहाँ सेना को विशेषाधिकार देना ज़रूरी हो गया था। जैसे कि जब ये शुरू किया गया था उस समय किसी भी स्थान विशेष तक पहुंच भी बहुत कम थी, चीज़ें दुर्गम भी थी और हमारे पास टेक्निक भी इस तरह की नहीं थी, ना हथियारों की ना किसी भी तरह की, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए या उस तरह के स्थान विशेष के लिए चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो जाए और सेना जो है बिल्कुल फ्री माइंड से वहाँ पर चीज़ों को सेटल कर सके, इसलिए उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। कार्रवाई में मदद करने के लिए सेना को ये विशेषाधिकार दिए गए थे और ये जो कानून है पारित होता है 11 सितंबर 1958 को पारित किया जाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर अफस्वा लागू होता है वो तब लागू किया जाता है जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कानून या डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर अफस्वा लागू किया जाता है। इसके साथ ही अफस्वा कानून केवल उन्हीं स्थानों पर लगाया जा सकता है जो अशांत होते हैं और इस कानून के लागू होने के बाद वहां सेना या सशस्त्र बल को भेजा जाता है, यानी कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये क्षेत्र अशांत है और उसके बाद वहां पर सेना या सशस्त्र बल को भेजा जाता है। इसके साथ अफस्वा को सितंबर 1958 में किन किन राज्यों में लागू किया गया था और इसके अलावा आज तक ये किन किन राज्यों में लागू है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। तो 11 सितंबर 1958 को इसको जब लागू किया गया था तो इसको अरुणाचल प्रदेश, जो मोटा माटी हमारा नॉर्थ ईस्ट है, सब जगह पर अरुणाचल प्रदेश में लागू किया गया था। इसके अलावा असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में और नागालैंड में इसको लगाया गया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा देश विरोधी जो एजेंडे चल रहे थे, वहाँ बहुत सारे संगठन थे जो वहाँ पर बहुत सारे उपद्रव के कार्यों से कार्य कर रहे थे, उनको दूसरे देशों से मदद भी मिल रही थी, इसलिए वहाँ पर इसे लागू किया गया था। तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में लागू था, फिर 1989 में कश्मीर में उग्रवाद बढ़ने लगा। 1989 से पहले कश्मीर में उग्रवाद नहीं था, वो एक शांत इलाका था। जब 1989 में बढ़ने लगा तो 1990 में कश्मीर के अंदर इसे लागू किया गया। वर्तमान समय में पूर्वोत्तर के राज्यों में और कश्मीर में ये लागू है। पूर्वोत्तर में अफस्वा असम में लागू है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, लेकिन इसमें इम्फाल नगर परिषद का इलाका शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ये लागू है, अरुणाचल प्रदेश के चांगलोंग, लॉन्गडिंग और तिरप जिलों में, तथा असम की सीमा से जो लगा हुआ इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ के 8 थाना क्षेत्रों वाले इलाकों में ये लागू है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में अब देखेंगे कि आखिर किसी राज्य को या किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब क्षेत्र कब घोषित किया जाता है।
तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि पहले किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट घोषित किया जाता है, देन उसके बाद में वहां पर अफसफा लगाया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है और कैसे किया जाता है? जब किसी क्षेत्र के अंदर नस्ल के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, साथ में क्षेत्रीय समूह अलग अलग हो जाते हैं और वो आपस में लड़ते हैं, या जातियों की विविधता के आधार पर समुदायों के बीच में बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं और उनकी वजह से उपद्रव होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए केंद्र या राज्य सरकार उस क्षेत्र को डिस्टर्ब घोषित कर सकती है। तो डिस्टर्ब इन सारे आधारों पर घोषित किया जा सकता है। उसके साथ ही ये जो अफसफा एक्ट है उसकी धारा 3 के तहत राज्य सरकार की राय का इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है और उसकी राय पे ही इस इलाके को डिस्टर्ब है या नहीं ये इसका निर्णय लिया जाता है। एक बार अगर कोई एरिया डिस्टर्ब घोषित हो जाता है तो वहाँ जब एक्ट लागू हो जाता है तो मिनिमम 3 महीने के लिए इसे वहाँ पर लागू होना होता है, यानी कि 3 महीने पर वहाँ पर स्पेशल फोर्स तैनात रहेगी ही रहेगी। और किसी राज्य में अफसफा कानून लागू करने का फैसला, राज्य सरकार में सेना भेजने का फैसला, चाहे तो अफसफा को लागू करने का फैसला हो चाहे सेना को भेजने का फैसला हो, ये फैसला राज्य सरकार को करना होता है। और राज्य की सरकार यह घोषणा कर दे कि अब राज्य में शांति है तो वहाँ पर अफसफा अपने आप वापस हो जाता है, यानी कि जितनी जगहों पर अफसफा लगा हुआ है वहाँ पर उस राज्य की सहमति का होना बहुत ही आवश्यक है। और राज्य अगर ये घोषणा कर देती है कि हमारे राज्य के अंदर शांति है और अफसफा की ज़रूरत नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से हट जाता है। तो हमने ये बात कर ली कि अफसफा के अंदर जो डिस्टर्ब एरिया है उसको लागू करने के क्या नियम है। अब हमें देखना है कि अफसफा के अंतर्गत कौन कौन से विशेषाधिकार और शक्तियाँ मिली हुई हैं, किस किस तरह की। सबसे पहली बात है कि अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध है तो बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर सेना को या जो सशस्त्र बल है उनको लग रहा है कि ये आदमी का मूवमेंट ठीक नहीं है तो बिना वारंट के वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि इस घर की तलाशी लेनी बहुत ही ज़रूरी है तो बिना वारंट के वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं और उसके अंदर जो भी ज़रूरी बल है, जिस तरह के बल प्रयोग की ज़रूरत होती है वो कर सकते हैं। मान लीजिए किसी घर में तलाशी लेने जाएं, आसपास के लोग ना लेने दे तलाशी, तो वो फोर्सफुली भी उस घर की तलाशी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर अशांति फैलाता है और बार बार कानून अगर तोड़ता है तो मृत्यु तक बल का प्रयोग उसके खिलाफ वो कर सकते हैं, यानी कि उसको रोकने के लिए वो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक अगर उसकी आदमी की डेथ भी हो जाती है तो भी वहाँ तक भी वो उस बल का प्रयोग कर सकते हैं। इन शक्तियों के अलावा सशस्त्र बलों को अंदेशा है कि विद्रोही या उपद्रवी जो है वो किसी बिल्डिंग विशेष में छिपे हुए हैं और उनको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो विद्रोही उपद्रवी छिपे हुए हैं उनके पास बहुत बड़े हथियारों का जखीरा इत्यादि है, तो वो उस बिल्डिंग को तबाह कर सकते हैं। नष्ट करने का उनके पास वो अधिकार होता है, किसी भी वाहन को रोककर उसकी वो तलाशी ले सकते हैं। और सशस्त्र बलों द्वारा कोई भी गलत कार्रवाई करने की दशा में भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी कि सशस्त्र बलों के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के एवज में कोई दूसरी रिवर्स कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा अफसफा है उसके पक्ष में भी तर्क है और विपक्ष में भी है। इस हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो होते हैं, हेड एंड टेल्स, हर बात के कॉन्स एंड प्रोन्स, सारे दोनों चीजें होती हैं। तो दोनों चीजों में हम सबसे पहले देखेंगे कि अफसफा के पक्ष में क्या तर्क है। इसके द्वारा जो शक्तियां मिली हुई हैं उसके आधार पर सशस्त्र बल देश के अंदर उपद्रवकारी जो भी गतिविधियां हैं उनको रोक सकते हैं, उनके खिलाफ मजबूती से लड़ सकते हैं और देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। देखा भी गया है कि 1958 के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका था वो बहुत ही अशांत था, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं थी, वहाँ के लोगों की मूवमेंट भी नहीं थी और असल में जो है लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस इलाके को देश विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में वहाँ हर तरह के एक्ट होते हैं, धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह ये उपद्रवकारी और ये जो संगठन वगैरह हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं और वो एरिया भी ग्रो कर रहा है और भारत का एक अभिन्न हिस्सा तो है ही,
साथ में भारत की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इसकी ताकत से जो ये अफस्पा की शक्तियाँ मिली हुई हैं, इसकी ताकत से देश के अशांत हिस्सों जैसे कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो आतंकवादी संगठन हैं और जो विद्रोही गुट हैं जैसे कि उल्फा इत्यादि से निपटने के लिए जो कॉन्फिडेंस और जो हिम्मत चाहिए होती है वो सशस्त्र बलों को मिलती है। तो ये ज़रूरी भी होता है कि उनको इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो आगे चलकर जो है उस चीज़ को ख़त्म करें। देश के अशांत क्षेत्र जो है वहाँ कानून का राज इन विशेषाधिकारों से कायम होता है, जहाँ वो इसी तरह के कानूनों से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाते हैं। जाहिर सी बात है भारत बहुत बड़ा है, अगर अफस्पा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर लागू है या कश्मीर के कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर लागू है तो इसका मतलब है कि जो सामान्य कानून है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है वो काफ़ी नहीं है और बाकी एरिया में इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए उनको वहाँ पे लाया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ये मदद करता है, ये इसके पक्ष में तर्क है। अब इसके बारे में कुछ विपक्ष में भी तर्क कहे जाते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है जब हम करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, मूल अधिकारों का, तो इस तरह की बात भी इसके लिए कही जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है हमारे देश के लिए कि यहाँ आखिर हम अपनी बात कह पाते हैं। तो अफस्पा के लिए भी कुछ छोटी बातें कही जाती है, जैसे कि कहा जाता है कि सुरक्षा बलों के पास जो दमनकारी शक्तियाँ हैं उसका वो दुरुपयोग करते हैं और इनका दुरुपयोग में वो फर्जी एनकाउंटर भी करते हैं, यौन उत्पीड़न भी करते हैं और इस तरह के मामलों के बारे में जो जानकारियाँ मिली हैं वो इसके साक्ष्य हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ह्यूमन राइट्स का ये उल्लंघन करते हैं। साथ में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो शक के आधार पर गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वो अंग्रेज़ों की याद दिलाती है जिन्होंने रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया था और रोलेक्ट एक्ट में भी यही शक्ति प्रदान की गई थी और ये कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन भी है। तो लेकिन जब कोई सरकार किसी एरिया विशेष के लिए किसी तरह का कानून लेके आती है तो वो डेफिनेटली इन अगर वो लागू नहीं करेगी तो इन अधिकारों का जो हनन हो सकता है बच जाए, लेकिन जो नुकसान होगा वो उससे बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें कत्लेआम भी होगा, जिसके अंदर यौन उत्पीड़न भी होगा और जिसके अंदर जो है मानवाधिकारों का हनन, ये सब कुछ भी होगा। तो मोटा माटी हमने अफस्पा पे सारी बात कर ली है जो कि देश के कुछ विशेष इलाकों में लागू है। अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि वर्तमान में सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है। विकल्प ए असम में, विकल्प बी नागालैंड में, विकल्प सी मणिपुर में और विकल्प डी बिहार में। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि इनमें से आपको बताना था असत्य कथन कौन सा है। अभी जो जीनोम मैपिंग हिंद महासागर में शुरू किया गया है उससे संबंधित दो कथनों को बताना था और इसके अंदर जो कथन दो है ये गलत है, असत्य है, यानी कि इसका आंसर है बी। इसे पूरा करने के लिए 5 साल नहीं 3 साल का समय बताया गया है कि 3 साल ये शोध कार्य चलेगा 90 दिन तक। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।